दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ नदी के किनारे मैं खड़ा हूँ, नाला के किनारे पे हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पे नदी किनारे पे लगा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये वो पौधा है जो हमारे क्षेत्र में और जंगलों में पाया जाता है और आपके यहाँ भी पाया जाता होगा जंगलों में। तो आप इसको नदी किनारों में, जंगलों में कहीं भी अगर ढूंढोगे बरसात के मौसम में तो आसानी से आपको यह देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप इसके पत्ते देखिए और इसके तने देखिए। इसमें अंदर में कंद भी होता है लेकिन मैं आपको कंद खोद करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अभी खोदने के लिए कुछ भी नहीं है और खोद करके बताने से क्या फ़ायदा जब इसकी मुझे अभी ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खोदूंगा इसको, लेकिन आपको सिर्फ पहचान कराना है। अगर आप पहचानोगे तो इसे खोद करके उसके कंद को भी देख पाओगे, कभी भी इसका सामना आपसे होगा तो आप देख करके बस पहचान लीजिए और इसके बारे में जान लीजिए और उपयोग कीजिए और खुश रहिए। तो दोस्तों इसका मैं स्थानीय नाम जानता हूँ, हमारे क्षेत्रीय नाम, हमारे क्षेत्रीय भाषा में इस पौधे को कोंदई कंद के पौधे के नाम से जाना जाता है। एक बार और सुन लीजिए, इसे कोंदई कंद कहा जाता है। तो आप अपने क्षेत्र में किसी और अन्य नाम से भी जानते होंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो आप बस पौधे को देख करके पहचानिए और इसके गुणधर्म के बारे में जानिए। इसका गुणधर्म ऐसा है कि इसके पत्ते का जो रस होता है इसको गर्म करके श्वास दमा के रोगी को पिलाया जाए तो श्वास दमा में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। और इसकी जो डंठल देख रहे हो, इस डंठल को काट करके खट्टे डाल करके साग सब्जी भी बनाया जाता है जिससे पेट रोग ख़त्म हो जाता है। और इसके जो कंद होता है अंदर में, वो कंद ही बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। अगर आप इसके कंद को निकाल करके कूट पीस करके कच्चा यदि उसका रस मिर्गी वाले को खिलाते हो प्रतिदिन, तो मिर्गी का दौरा आना बंद हो जाता है और जो बेहोश पड़ा रहता है व्यक्ति, उसके नाक में टपकाने से तुरंत छटपटा के उठ के चलने फिरने लायक हो जाता है। इतना असरदार कंद है। और इसके कंद को अगर आप आग में भून कर भी खा सकते हो गुड़ मिला करके, और ऐसे खाना चाहो तो खा सकते हो। तो आप देख लीजिए, इसके पौधे को पहचान लीजिए और अपने आसपास के एरिया में ढूंढ करके उपयोग कीजिए अगर ज़रूरत है तो। आप इसके कंद जो है बहुत ही शक्तिशाली कंद है, ये ऐसा शक्तिशाली है कि किसी भी मिर्गी के व्यक्ति को ठीक कर सकता है इसका कंद। और इसके पत्ते श्वास दमा के लिए कार्य करता है और इसका जो तना देख रहे हो आप, ये तना पेट रोग के लिए बहुत ही अचूक औषधि है। तो दोस्तों बस इसकी पहचान कराना था आज, ये नदी किनारे में बैठा हुआ हूँ तो आज मुझे दिख गया, तो आज इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। आप लोग भरपूर फ़ायदा लीजिए इस पौधे का, इसे कोंदई कंद कहा जाता है हमारे क्षेत्रीय भाषा में। और इसको तो मैंने कहीं और से इसकी जानकारी नहीं लिया है, जो हमारे क्षेत्रीय लोग हैं उनसे पूछ कर के इसके बारे में जाना हूँ। और जो वैद्य लोग हैं हमारे क्षेत्र में, वे लोग भी बताते हैं कि इस पौधे का प्रयोग मिर्गी रोग के लिए किया जाता है और इस पौधे को कोंदई कंद के नाम से जानते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी देना था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जंगली वनस्पति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।